ड्रॉप। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं पंकज कचौड़ी। कार्यक्रम इनसाइड आउट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शक्ति कपूर साहब और इनके साथ हम करेंगे कास्टिंग काउच। आउच पर बातें। नॉनसेंस। आप पे तो सबसे बड़ा इल्जाम है शक्ति जी। ये सरासर झूठ है, मेरी शक्ल देखिए, मैं कैसा लगता हूँ? मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। ये तो पुराने जमाने में हुआ करता था। आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहिए। आपने कहा कि ये सब पुराने जमाने में हुआ करता था, चलते हैं पुराने जमाने के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार जी के पास। नमस्ते राजेंद्र कुमार जी, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये हमारे जमाने में नहीं हुआ करता था। हमारे जमाने में साफ सुथरी फिल्में बना करती, एक्टिंग हुआ करती थी, एक्टिंग। तो आपने कभी क्यों नहीं की? ये बात और है, सवाल कास्टिंग काउच का है। चलिए चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। हम बात करते हैं धर्म जी से, जो पंजाब में। धर्म जी, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। हम धर्म जी से बात नहीं करते, संपर्क कट गया। हम बात करते हैं एक ऐसे आदमी से जो इंडस्ट्री में तब से चले आ रहे हैं जब से चलचित्र भी नहीं चल रहे थे, एके हंगल साहब से। हंगल साहब, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? ये सवाल तो शक्ति से पूछो, शक्ति कपूर से। अरे मेरी तो जिंदगी में सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई। खैर, आपके पास बाद में आते हैं। हम चलते हैं एक ऐसे आदमी के पास जो भारत माँ पे फिल्में बनाता है, मनोज कुमार जी। हेलो मनोज कुमार जी। हेलो। हाँ मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, हेलो। मनोज कुमार जी, आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग काउच हमारी देश की औरतें माँ है, बहन है, बेटी है। इस वक्त आपके बगल में कौन बेटी है? चलिए 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 चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं। जय हिंद जय भारत। अब हम चलते हैं पुराने जमाने के फेमस विलन अजीत साहब के पास। अजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। अजीत साहब, आपके साथ हर फिल्म में मोना नाम की एक लड़की हुआ करती थी, तो क्या आप और मोना? स्मार्ट बॉय। हमें मोना बहुत पसंद थी और मोना को सोना। अजीत साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? इसका मतलब ही नहीं कि हम तो यू ही कहना चाहते थे, सोना मतलब गोल्ड, अदरवाइज फॉर मोना आई एम वेरी ओल्ड। अजीत साहब, चलिए चलिए, आपसे बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, आपने ओल्ड कहा, एक ऐसे एक्टर से जो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, सदाबहार देव साहब से। तू ओल्ड, तेरा बाप ओल्ड, तेरा खानदान ओल्ड, मैं तो अभी जवान हूं। हेलो देव साहब, हिलना बंद कीजिए, आप कैमरे में आ नहीं रहे। हिलना बंद कीजिए आप। या मुझे बताइए कि आप जो ये फिल्में बना रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे एक ही मकसद है और वो मकसद है कास्टिंग काउच। सब झूठ है, नॉटी 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 नॉटी। खैर चलिए देव साहब, आपके पास बाद में आते हैं एक ऐसा। हेलो देवी और सज्जनों, हमारे साथ शो पे हैं भारत के रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव साहब। लालू जी। जय राम जी की। लालू जी, मैं पंकज कचौड़ी। हमें कचौड़ी पसंद नहीं, हम रबड़ी से काम चला रहा हूँ। लालू जी, मैं पंकज कचौड़ी इनसाइड आउट प्रोग्राम से। आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्टिंग काउच काउच, देखो भाई, हम भैंस पालता हूँ, बफेलो। एक एक बफेलो को पूछ लीजिएगा हमारा करेक्टर के बारे में। ना ना लालू जी, नहीं नहीं नहीं, काउ लालू जी, काउ नहीं, कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच। हाँ कास्टिंग, हे मिश्रा, कास्टिंग काउच का होता है? हाँ रख सचुरा फोन, रख रख, हमरे से बात मत कर, शक्ति कपूर से बात कर, फोन में घुस के मारेंगे। लालू जी से हमारा संपर्क टूट जाएगा। शक्ति जी, आपने देखा कुछ लोगों ने खुलेआम आपका नाम लिया, अब क्या आप कास्टिंग काउच के बारे में अपना बयान बदलना चाहेंगे? मैं तो अब भी यही कहूंगा, ये सरासर झूठ है। मैंने तो संस्था खोल के रखी है, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आए। मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ और हमारे हमारे प्रेसिडेंट है जोगेंद्र जी। मैं कहा किधर है लड़की,
कहाँ है लड़की? हेलो मेरे पास ला। हेलो और मैं सबकी तकलीफ दूँ। हेलो हेलो जोगिंदर जी स्टूडियो में आ गए। हेलो अर्चना जी को छुपाओ, श्रुति भागो, उर्वशी का, अरे उर्वशी से तो ये डरेंगे। शटर डाउन करो, शटर डाउन। बचाओ मेरे को, बचाओ। किस कलम ले बे तू? बचाओ। अबे किस कलम ले बे तू? जरा बचाओ। क्या बोल लिया तुम्हें? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, जज साहब प्लीज मेरी बात सुनो। अरे मैंने एक मिश्रा क्या छेड़ दिया, ये कसाई तो मुझे मसलने पर तुल गया। वो बोलना जो बोल दिया था वही बोल। मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो सिर्फ एक शेर अर्ज किया था। अर्ज किया है बकबे, बकबे सुन बे। तेज हवा का झोंका आया, तेज हवा का झोंका आया, साथ में तेरी खुशबू लाया, तब मेरे दिल में ख्याल आया, अरे ये कसाई आज भी नहीं आया। अबे पानी आने की बात कर रहा है, पानी आने की बात कर रहा है, दिल जलाने की बात कर रहा है, हमने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, ये नहाने की बात कर रहा है। निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, कभी किसी को अपना बना के तो देखो, अरे मिलना चाहेंगे लोग हमेशा तुमसे, कभी किसी दिन नहा के तो देखो। नहीं, नहीं, नहीं। अबे ये तो कुछ भी नहीं है बे। अबे सुबह सुबह ताजा बगरा जिबा किया, वीसी पे एक गजल कह दी, सुबह सुबह ताजी गजल है, वो ही नहीं सुन रहा, ये भाग लिया। सुन बे भाग बे, सुन बे भाग बे। वो जो बकरा हमें अजीज था, वो जो बकरा हमें अजीज था, विसे कुर्बान हमने कर दिया, जिसे पालता कोई और है, विसे काटता कोई और है। और जो नसीब में थी हड्डियां तुम्हें मिल गई बनने मियां, जो नसीब में थी हड्डियां तुम्हें मिल गई बनने मियां, जिसे छांटता कोई और है, विसे बांटता कोई और है। और सीने का गोश्त देखकर चाप का गुमा होने लगा, सीने का गोश्त देखकर चाप का गुमा होने लगा, जिसे सेकता कोई और है, विसे चापता कोई और है। अरे अरे हमें तो गोश्त पकाना था आज, हमें तो गोश्त पकाना था आज, मगर इसने कर दिया निराश, वहां बोलता कोई और है, यहां पकता कोई और है। हमारी जमीन चुरा रही है, ये हमारी जमीन चुरा रही है। ले इस जमीन में कह के दिखा, इस जमीन में कह के दिखाए तो माने कि भाई दिल कलेजी मगज, जरा गौर फरमाइएगा जज साहिबान, कि दिल कलेजी मगज तो दे दिया इसको, पाए पड़े पड़े कर रहे हैं डिस्को। टाइम प्लीज देखिए, इसके 2 गजल मैंने सुन लिए, प्लीज मेरा एक शेर सुन लीजिए, इसके हालात से मिलता जुलता है। बकबे सुन बे, उनकी गली में गए, उनकी गली में गए, अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका, हमला भी साथ था। आधा बजे, आधा बजे। सुन बे, रुक नहीं, इधर आइयो, इधर आइयो। बाप का शेर सुना रही हूँ, ये चला गया, बाप का शेर सुना रही था, ये गमले का शेर सुना के चला गया, इधर आइयो। नंबर नंबर कौन ले लेगा, नंबर कौन ले लेगा? जैसा जैसा नंबर देगा।